क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, ये बिलो लिखा हुआ है इसमें, तो इसको अलग टाइप से हल कर देंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखिए यहां पर सीरियल नंबर और ये लिखा हुआ है एज, यस, बिलो 20 ऐसे ही है, बिलो 30, 25, फिर बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45, बिलो 50, बिलो 55, बिलो 60, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी थी, एफ की वैल्यू है इसमें 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। तो देखिए ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी दिखाई देती है, कैसे दे रही है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये 100, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूँ, एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू क्या रहेगी, 2, 2 में से 2, 6 में से ये घटा दो 4 हो जाएगा, 4, ठीक है। अब 4 इसमें से घटा दो 20 हो जाएगा, ठीक है, और फिर इसमें से ये 45, 25, 20, इसमें से 78 में से ये माइनस कर दीजिएगा, तो 3 और 53, इसमें से माइनस कर दीजिए 63, ठीक है, और 92 में से 6 बच जाएंगे, 4, 5, यहाँ पर फिर इसमें से ये घटा दीजिएगा, तो 2, 42 और 42, यानी कि इसमें से ये माइनस कर दीजिएगा, तो फिर तो बचेगी 8, 58, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है इसकी, समझ में आ गया होगा किस तरह से माइनस किया गया है। इसमें से ये माइनस कर दो तो 33, फिर इसमें से ये माइनस कर दीजिएगा 1, 1, फिर 92 में से 2, 3, फिर इसमें से 6, इसमें से 2। एक बार फ्रीक्वेंसी चेक कर लेता हूँ कि ये फ्रीक्वेंसी यही बने। देखिए ऐसे करके है, ये 2 पहला 2 आ जाएगा, 2 और 4 मिलाकर के 6 हो गया, ठीक है, ये वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब इस फ्रीक्वेंसी को देखिए, इस वाली बिलो वाली टेबल को चेंज करेंगे, बिलो वाली टेबल को चेंज कर देंगे, यानी कि यहाँ पर 5-5 का डिफरेंस है, तो इस बिलो को हटा के या हम नेक्स्ट टेबल, यहाँ पर सीरियल नंबर, फिर क्लास इंटरवल, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सी एफ,
अब देखिए इसको ढंग से मैंने लिख दिया सीरियल नंबर। देखिए यहाँ से क्लास इंटरवल है 15 to 20, 20 to 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, ठीक है, और 55 से 60, ठीक है। अब देखता हूँ फ्रीक्वेंसी चेक करता हूँ। देखिए पहले 2, 4, 18, 21, 33, 11, 3, 6, 2, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी का एड, अब यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी का एड भी अगर ये उसी तरह से आ जाता है तो भी हमारा सही होगा। देखिए पहला 2 का 2 लिखेंगे, 2, 4, 6 हो जाएगा, 6 और ये 24 हो जाएगा, पहला देखिए आने लगा 24 और ये 45, 45 और 33 ऐड करके लिख देंगे तो 78, 78 का 89, 89 और 3, 92, 92 और 6, 98, 98 और 2, 100, ठीक है, n इक्वल टू 100 आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से ये बनी हुई टेबल है, तो आप ये एग्जाम में ये भी बनाएंगे फिर ये भी बनाएंगे, ठीक है। सीरियल नंबर डाल दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है, ये सीरियल नंबर पड़ गया। अब सेम प्रोसेस चलेगा, ठीक है, इसमें अब सेम प्रोसेस मीडियन निकालना है आपको, तो अपने आप सॉल्व करिएगा इसको, इसको अपने आप सॉल्व करना ही है, ठीक है। ये इस तरह मैंने बदल दिया था, इसको अब हल करिएगा अपने आप। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सक्लूडिंग टेबल दी हुई है, एक्सक्लूडिंग टेबल ये भी मैं लिखना बताता हूँ, एक्सक्लूडिंग टेबल दी है तब फिर किस तरह से हल करेंगे, इसे तो अपने आप हल करेंगे। अभी मीडियन के तो भाई ये क्वेश्चन बता दिए मैंने, क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन टेबल देखिए क्या है, 118, 126, ये क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल, ठीक है। फिर 127 से 135, ठीक है, 136 से 144, 155 से 153, 154 से 162, 162 से 173 और 172 से 180, ठीक है। यहाँ पर सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सीरियल नंबर आ गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एफ की वैल्यू 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो गैपिंग आ रही है इसमें देखिएगा, इस टेबल में और इस टेबल में अब तक जो टेबल आई थी उन टेबलों में बिल्कुल सेम वैल्यू थी, ये वैल्यू यहां पर है ना वहीं पर 127 था, ठीक है। तो अब ये वैल्यू यहां पर क्या हुआ कि एक बढ़ गया इसका से, 126 था या 127 था, ठीक है। तो इनका एक का डिफरेंस बाय 2, जितना भी डिफरेंस होता है उसका बाय 2 करने के बाद इसमें
पहली वाले में तो माइनस करेंगे, दूसरे वाले में प्लस करेंगे, ठीक है। यहां पर इंटरवल रहेगा, ये एक्सक्लूडिंग टेबल है, यहां पर है एक्सक्लूडिंग टेबल है, चेंज इन इंक्लूडिंग टेबल। अब यहां से इंक्लूडिंग टेबल, ठीक है। अब देखिए यहां पर सीरियल नंबर वन, सीरियल नंबर, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखिए यहां पर वन का डिफरेंस है, तो वन का डिफरेंस वन अपॉन टू कर दूंगा, इसको टू से डिवाइड करते हैं, जितना भी इनमें डिफरेंस रहेगा उसका बाई टू करेंगे, ठीक है, या इन दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे। आधा करने के बाद में इनके डिफरेंस का, तो 127 माइनस 126 अपॉन 2, तो ये 1 अपॉन 2 आ जाएगा, यानी 0.5 इसमें से तो माइनस करूंगा मैं, L1 वाली टेबल से तो माइनस होगा, तो 17.5 आएगा यहां पर, 17.5 इसमें ऐड कर दीजिएगा, 126.5 हो जाएगा, इसमें फिर माइनस कर दीजिएगा, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1126.5, ठीक है। और यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा इसमें, तो 135.5, ऐसे ही यहाँ पर 135.5, और यहाँ पर 144.5, इसमें ऐड कर रहा हूँ, इसमें माइनस कर रहा हूँ 0.5 ये वैल्यू, ठीक है ना। अब इसमें से भी माइनस करिएगा, तो 144.5 और यहाँ पर 153.5, फिर यहाँ पर माइनस करेंगे 153.5 इसमें से माइनस कर दिया, 162.5, फिर यहाँ पर 162.5 माइनस 171.5 और ये वैल्यू आ जाएगी 180.5। देखिए अब ये कंटिन्यूस हो गई, इंक्लूडिंग हो गई यहां से ये, यानी कि यहां पर आप ये पहले अगर तुम्हें ये माइनस करने में प्रॉब्लम हो ना, तो सीधा सीधा इसमें 0.5 ऐड करते चले जाइएगा, ठीक है। 0.5 ये ऐड करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू रिटर्न करनी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ बस में एक माइनस करेंगे बस डायरेक्ट, फिर तो ये वैल्यू यहाँ लिखते चले जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये टेबल बन गई। अब आपकी फ्रीक्वेंसी में देखिएगा, एफ एफ में आपका 3 5 9 12 5 4 2 या सी एफ निकालो, सी एफ की वैल्यू 3 8, ठीक है, 17, फिर इसके बाद हो जाएगा 29 29 और 5 34 34 38 और 2 40, ये एन की वैल्यू भी 40 आ जाएगी, ठीक है, एन की वैल्यू 40 होगी। अब देखिए इससे आगे देखते हैं कि ये एन की वैल्यू निकल के आ गई, अब इसका पीडीएफ निकालना है मुझे, तो ये तो पार्ट मेरा चेंज करने के लिए है, ये एग्जाम में भी इसी तरह से चेंज करना है, ठीक है। और इसके बाद मीडियन निकालते हैं। अब देखिए एन वाई टू करोगे, एन वाई टू की वैल्यू आ जाएगी 40/2, यानी कि 20, ठीक है, 20 में ये वैल्यू होगी, 20 इस ब्लॉक के अंदर है, अब ये ब्लॉकिंग होगी, ठीक है। मीडियन इक्वल टू ये L1 है, L2, F, CF, ME इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन KF, NY2 माइनस C,
एल वन की वैल्यू है 144.5 प्लस एल टू की वैल्यू 153.5 माइनस 144.5 अपॉन एफ की वैल्यू है 12 इंटू एन वाई टू की वैल्यू, एन वाई टू की वैल्यू 20 माइनस सी एफ, सी एफ 17 है, ठीक है। इस तरह से इसको हल कर देना है, या तो आप हल कर लोगे या फिर मैं बता दे रहा हूं। तो देखिए यहां पर 144.5 प्लस, इसमें से इसको माइनस करिए 0, और यहां पर 9 9 बच गया है, और ये अपॉन 12 इंटू 3, यानी 144.5 प्लस 9/4, ठीक है। अब इस वैल्यू को हल करके डिवाइड कर दीजिएगा, 8, 2, 7, 8, 9, 4, 8, 1 बच गया, 4, 8, 2 बच गए, यानी 144.5 प्लस 2.25, यानी कि 146.75। एक मिनट यहां से चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। अगर यूनिट अगर ये दी हुई है, यूनिट अगर किसी उसमें दिया हुआ है, यूनिट में दिया हुआ है तो यूनिट लिख देना है, अगर यूनिट नहीं दिया है तो मैं यूनिट चेक करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 था लीव्स इन ए मिलीमीटर, तो एमएम लिख देना है यहाँ पर, मिलीमीटर, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया होगा। अब ये सारे क्वेश्चन आपको अपने आप हल करने हैं, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, बस इतना ही है ये कोर्स में, आज ये फिनिश होता है चैप्टर, ओके।